हरि ओम गुरु महाराज जी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जो इस कोविड नामक जो संकट हमारे पास आया है, इस दौरान अपने ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करें और अपने शरीर में जो एक ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए हम नेचुरली क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के वीडियो हमारे पास बहुत से आ रहे हैं कि कैसे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं और उसे आगे सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार करें। इस विषय में बहुत से साधकों ने, योगियों ने और जो हमारे योगा के जो प्रैक्टिशनर है, उन्होंने अपने अपने तरीके से योगाभ्यास व प्राणायाम की क्रियाओं के बारे में बताया है। हालांकि अधिकांशतः क्रियाएं और प्राणायाम हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई या ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए ही होती हैं, किंतु यह देखने में भी आया कि कुछ अटपटे से बातें हमारे सामने कुछ लोग प्रस्तुत कर देते हैं ताकि लोग भ्रमित हों। एक अजीब सा वीडियो जो कि इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरणा सूत्र बना, वह ये था कि एक जो हमारे तथाकथित योगा के प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने यह दावा किया कि कोई क्रिया वो नाइट्रस ऑक्साइड को स्टेबल करने के लिए हमारे शरीर में जरूरी होती है। तो मैं इतना कहूँगा कि ये नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस होती है। उस गैस का हमारे जो फेफड़ों का और जो हमारे शरीर के जो अन्य जो अंग हैं, ऊतक है, उसमें कोई भी अधिकांशता कोई ऐसा रोल नहीं है जिसको कि हम प्रेजेंट कर पाए या वैज्ञानिक आधार पे हम प्रमाणित कर सकें। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं, तो साधारण मनुष्य में 75 से लेकर 100 mmHg ऑफ मरकरी, यह एक यूनिट है। यह एक साधारण जो हमारे पास जो लेवल है ऑक्सीजन का वह है। हालांकि बहुत कम लेवल, जिसे कि 60 mmHg से कम का लेवल कहा जाता है, वह हमारे शरीर के लिए और हमारे मनुष्य के लिए जो जीवन है उसके लिए प्राण घातक हो सकता है। धीरे धीरे जब यह लेवल 90 से नीचे की तरफ को आता है, तो हमारे शरीर में बहुत से जो है सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि घबराहट होना, सांस फूलना, थकावट रहना इत्यादि इत्यादि। और जैसे ही यह लेवल काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो उस स्थिति को हम जो क्या कहते हैं, एमरजेंसी की स्थिति कहते हैं। तो हमें बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर को सप्लाई करनी पड़ सकती है। हालांकि ऑक्सीजन को जो मेजर करने के लिए, जो कि उसका माप बताने के लिए, दो हमारे पास मेथड होते हैं, जो कि आर्टेरियल ब्लड का जो मेथड है और दूसरा जो आजकल हमारे पास है पल्स ऑक्सीमीटर का। तो आजकल जो हम जो मेथड जो सबसे ज़्यादा जो घर पर ही यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है पल्स ऑक्सीमीटर का। तो इस तरीके से आपको अगर बीमारी का संक्रमण है, तो अपने ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको बराबर चेक करते रहें, और किसी तरह का कोई सिम्टम आता है तो जरूरी उपाय व मेडिसिन्स या दवाइयों लेना शुरू करें। तो अब हम बात करते हैं साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए कि कैसे हम नॉर्मली जो हमारे जो ब्लड का जो ऑक्सीजन है उसको मेंटेन करें। इसके ऊपर मैं चार मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहूँगा।
पहला बिंदु है एक्सरसाइज करना या लाइफस्टाइल को चेंज करना। आप रोजाना कम से कम 25-30 मिनट तक शारीरिक कोई एक्सरसाइज करें, हल्की वॉकिंग करें, प्रातःकाल सुबह उठकर सैर करने पे जाएं, लगभग 3000 से 5000 स्टेप्स जरूर लें। इस तरह के जो वॉकिंग है, हल्की जो एक्सरसाइज है, उससे हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ने के साथ ही हमारे जो टिश्यूज़ है, हमारे जो सेल्स हैं और जो अलग अलग अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ जाता है। तो यह आप नियमित रूप से रूटीन के तौर पर यह प्रयास रखें कि हर रोज़ आपको हल्का व्यायाम करना है। क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप कहीं बाहर किसी गार्डन या अन्य जगह पर वॉक नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है आप अपने घर पर ही हल्के से स्टेप्स लेना शुरू करें और साथ ही ये मॉनिटर भी करें कि आपने कितने स्टेप्स ले लिए हैं। क्योंकि आजकल तो वैसे ही हमारे स्मार्टफोन का ज़माना है, तो स्मार्टफोन के ज़माने में हमारे पास ये सुविधा मिल जाती है कि हम अपने स्टेप्स को काउंट करें। तो दूसरा जो बिंदु है वह है डाइट का। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, तेलीय व तेल के बनी हुए वस्तुएं ना लें, अच्छा स्वस्थ भोजन करें और साथ ही अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां व सीजनल फ्रूट्स जैसे रसबेरी, गूसबेरी और फालसा इत्यादि जो फल हैं उन्हें भी इंक्लूड करें, ताकि जो आपके जो शरीर में है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो काम अच्छे से हो सके। हालांकि डाइट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने एक छोटा सा चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो फल व सब्जियां हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात जो डाइट में आती है, अपने आप को हाइड्रेट रखना। नियमित रूप से पानी पिए, तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें और जैसा कि कहा गया है कि 2-3 लीटर पानी, करीब करीब 8-10 गिलास या उससे अधिक भी आप पानी पी सकते हैं। ये तरल पदार्थ आपके शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ हाइड्रेट भी करेंगे और यह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा साधन है। अपने खाने में या तरल पदार्थ में कैफीनेटेड जो बेवरेजेस हैं, जो दूसरे बेवरेजेस हैं, उसका इस्तेमाल कम करें। वह बेवरेजेस जिनमें कि सॉल्ट्स का कंटेंट अधिक है उसे अवॉइड करें, क्योंकि ये सॉल्ट का कंटेंट अधिक होने से ये बॉडी में हमारे सेल्स में डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अब मैं तीसरे बिंदु के ऊपर बात करूं तो वह है ब्रीदिंग। हालांकि ब्रीदिंग के बारे में हमने बहुत से विस्तार से वीडियो भी बनाए हैं, इन वीडियो के तहत हमने ये बताया है कि अच्छी तरीके से ब्रीदिंग करना और सुचारू रूप से ब्रीदिंग करना हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। हम ये मान के चलते हैं कि प्राणायाम भी एक ब्रीदिंग का ही एक अंग है, किंतु हम अक्सर ये सोचते हैं कि भी प्राणायाम हमने आधा घंटा या एक घंटा कर लिया तो हमारा काम यहाँ पर समाप्त हो गया और हमारा जो पर्पस है सॉल्व हो गया।
इसके अलावा मैं थोड़ा एडिशनल ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखना, रिदमिक रखना और डीप रखना सीखें। और इस तरह का जो ब्रीदिंग टेक्निक है वह रूटीन बेसिस पर लेकर के आएं। रूटीन बेसिस पर लेकर आने का मतलब ये है कि आप अच्छे और रिलैक्स्ड स्टेट में हमेशा ही बने रहते हैं। इस बिंदु में मैं बार बार स्ट्रेस भी करता हूँ, अपना दबाव भी डालता हूँ कि योग को केवल 1 या 2 घंटे की मात्र एक्सरसाइज के या शारीरिक क्रिया के रूप में ना लिया जाए, बल्कि इसे एक रूटीन, दिनचर्या और अपने जीवन में हर एक समय में लेकर के इसको साथ में चलना है आपको, और साथ ही अपने आप को योग से परिपूर्ण करना है और अपने ऊर्जा का संचरण करना है, क्योंकि योग का शाब्दिक अर्थ ही जमा करना है, प्लस करना है और हमें ऊर्जा का संचरण और योग करते रहना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप लंबे गहरे कुंभक, रेचक व पूरक की निरंतर जो है अभ्यास करते रहें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगी और हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन भी होती रहेगी। तो अगर मैं चौथे बिंदु यानी कि योगाभ्यास और खास तौर पर प्राणायाम की बात करूं, तो प्राणायाम में कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे आप 10-10 काउंट में हर रोज कर सकते हैं और निरंतर प्रयास करने के साथ ही आप इन पर अपना जो है कमांड अपने तरीके से कर सकते हो। यह बात कहना बिल्कुल गलत है कि आप बीमार हैं तो आप भस्त्रिका कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए या फिर कोई अन्य प्राणायाम कीजिए। इसमें मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इस तरह के प्राणायाम करने के लिए और अपने सांसों को रिदम में लाने के लिए कम से कम 1 से 3 महीना लग जाता है। तो जो मनुष्य अभी बीमार चल रहा है या जिसे संक्रमण है, तो उसके लिए इस तरीके के प्राणायाम को यकायक अचानक से करना संभव नहीं हो पाता है, किंतु आप डीप ब्रीदिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ताकि ये डीप ब्रीदिंग आपको ये ऑक्सीजनेशन दे सके इन कंपैरिजन टू जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्राणायाम है। अब हम बात करेंगे जो प्रोनिंग टेक्निक है जिसके बारे में बहुत सा प्रचार भी हुआ है और वैज्ञानिकों ने और हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उन्होंने इसको काफ़ी कामयाब तकनीक बताया है। यह प्रोनिक टेक्निक उन पेशेंट्स के लिए, रोगियों के लिए काफ़ी लाभप्रद है जिनका जो ऑक्सीजन लेवल है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यह तकनीक एक तरह से उल्टे लेट कर किया जाने वाला शवासन ही है। हालांकि आप इस चित्र में बहुत तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो प्रोनिक टेक्निक है उसे किया जा सकता है। यह प्रोनिंग टेक्निक के लिए बहुत से हमारे पास शोध पत्र भी आए हैं। यह टेक्निक को करने का सरल तरीका यही है कि आप अपने शरीर को रिलैक्स रखें, उल्टा लेट जाएं और धीरे धीरे श्वास गहरी करते रहें और ये श्वास अपने सामर्थ्य या कैपेसिटी के हिसाब से ही लें। अत्यधिक
अपने आप को स्ट्रेस में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को रिलैक्स्ड स्थिति में रखें और ये रिलैक्स्ड स्थिति मानसिक रूप से भी रिलैक्स्ड रहें और शारीरिक रूप से भी। और धीरे धीरे यह स्थिति जो प्रोनिंग की जो टेक्निक है वह आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगी। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि इस टेक्निक के बावजूद भी आपके जो ऑक्सीजन लेवल है उसका जो निरंतर उसमें गिरावट आ रही है तो आप कृपया एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यानी कि बाहर से ऑक्सीजन ले सकते हैं व अपने जो चिकित्सक है उसकी सलाह अनुसार या परामर्श अनुसार ही काम करें। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप स्वस्थ रहें और ये प्रार्थना है कि आप और हमारा समाज इस कोरोना के भयावह संकट से शीघ्र ही उभर कर सामने आए।